कोयला श्रमिक सभा संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी वेकोली अध्यक्ष एवं JBCCI सदस्य शिव कुमार यादव का पेंच क्षेत्र में आगमन हुआ, जहां पेंच क्षेत्र के HMS कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि HMS यूनियन सर्वप्रथम मजदूर हित की बात करती है, इसी बात से प्रेरित होकर अन्य संगठन के लोग HMS यूनियन से जुड़ रहे हैं। सिटी न्यूज से शेख उबैद की रिपोर्ट। सरकार है ये जगेगी, इसलिए इस सरकार को जगाने के लिए मुझे लग रहा है अप्रैल के बाद से हम लोगों को जागृत होकर भिड़ने की जरूरत पड़ेगी। और उपस्थित है मेरे सभी साथियों को जो कोयला उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनसे जो मुझे जानकारी मिलती है और मैं लगातार यहाँ जब आता हूँ तो उससे मुझे पता चलता है कि ये पेच कन्हान पातरखेड़ा जो क्षेत्र है हमारा 3 WCL का, ये कोयला क्षेत्र के कारण, कोयला उद्योग के कारण ही, आसपास के जितने उद्योग तो यहाँ पे कोई खास है नहीं, सिर्फ कोयला उद्योग के कारण ही यहाँ की रोजी रोटी है आसपास के लोगों का। अगर हमारा कोयला उद्योग में अगर कहीं कमी आ गई या कुछ कम हो गया तो इसका सीधा असर हमारे कामगार के साथ साथ यहाँ पे आसपास में रहने वाले लोगों पे भी पड़ेगा। इसलिए लगातार हमारे लोगों का प्रयास है कि यहाँ पे जितनी नई खदानें हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुले, जिससे हमारे आसपास के जो गरीब किसान हैं उनको रोजगार मिल सके और उनके साथ में जो आसपास के लोग हैं, जो दुकान वाले हों या यहाँ पर और कोई कार्य करते हों, उनसे भी WCL के कारण कोयले का कार्य करने में उन्हें भी सहयोग मिले, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। ऐसा रोकना चाहूँगा, ऐसे बातें सर बहुत से नेता लोग आते हैं वो भी करके जाते हैं कि नई खदानें खुलेंगी और अभी मतलब एक खदानें खुल रही और 3 खदानें बंद होती, कारण ऐसा है कि खैर मैं नेता करके तो बात ही नहीं करने आया हूँ, मैं तो आप लोगों के बीच का एक साथी करके हूँ, नेता नहीं, और हम काम करने में विश्वास करते हैं, भाषण देने में ज़्यादा नहीं करते हैं। धनकसा खदान के बारे में पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन उसको अमलीजामा या फाइनल फिनिश जिसको बोलते हैं कि जो आखिरी में जो किया जाता है कि सब कुछ हो गया था लेकिन फिर भी चालू नहीं हो रही थी,